गर्भवती महिलाओं के एक ही गर्भावस्था के दौरान पैदा होने वाले दो बच्चों को जुड़वा कहते हैं। आमतौर पर जुड़वा या तो एक जैसे हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकृति के भी हो सकते हैं, क्योंकि वे दो अलग अलग अंडों में दो भिन्न भिन्न शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है जुड़वा बच्चों के शुरुआती लक्षण। मॉर्निंग सिकनेस। जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला के प्रारंभिक लक्षण में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। 50% से अधिक महिलाएं अपने गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में ही मितली करना, जी मिचलाना का अनुभव शुरू कर देती हैं। महिला जिनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं अन्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में मॉर्निंग सिकनेस का अनुभव अधिक करती हैं। ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। एक महिला जो जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती है उनको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने की संभावना अधिक होती है। अगर आप गुलाबी और भूरे रंग के धब्बे नोटिस करते हैं तो यह अत्यंत सामान्य बात है। यदि आपके ब्लीडिंग हो रही है और साथ में बुखार और लाल खून के धब्बे नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। जुड़वा गर्भावस्था में वजन सामान्य गर्भावस्था की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आपके दो बच्चे दो प्लासेंटा और अधिक एमनियोटिक द्रव के साथ होते हैं। एक औसत गर्भावस्था में सामान्य वजन 25 पाउंड होता है, जबकि जुड़वा गर्भावस्था में यह 30 से 35 पाउंड के बीच हो सकता है। बच्चे के दिल की धड़कन पहली बार सुनना हर माता पिता के लिए सबसे यादगार अनुभव होता है। बच्चे के जन्म से पहले आप डॉपलर प्रणाली के माध्यम से अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से जुड़वा बच्चों के दिल की धड़कन अलग अलग से सुनी जा सकती है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी पहचान को कभी कभी अलग नहीं किया जा सकता। जुड़वा गर्भावस्था के साथ महिलाओं में समय से पहले डिलीवरी होने की अधिक संभावना होती है। लेबर पेन गर्भावस्था के 36 या 37वें सप्ताह के बीच में हो सकते हैं। इसके अलावा जुड़वा गर्भावस्था में बच्चे ज़्यादातर ब्रिज स्थिति में होते हैं, जिस कारण डिलीवरी नॉर्मल की जगह सीजेरियन होने की संभावना बढ़ जाती है। 30 और 40 वर्ष में महिलाओं को जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती होने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण यह है, जैसे आप बड़े होते हैं ओवुलेटरी चक्र में सघनता कम हो जाती है, इस स्तर पर अधिक संभावना होती है। एक ही समय में दो बच्चों की जुड़वा गर्भावस्था और सामान्य गर्भावस्था में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन जुड़वा गर्भावस्था में वजन और थकान अधिक बढ़ने लगती है। गर्भावस्था के सामान्य लक्षण रहते हुए भी जुड़वा गर्भावस्था में जोखिम कई बार बढ़ जाते हैं। बहरहाल गर्भावस्था कैसी भी हो, देखभाल और सावधानी बेहद जरूरी है। जुड़वा गर्भावस्था के लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण यह है कि आपको हमेशा भूख लगेगी। जुड़वा गर्भावस्था में महिला को सामान्य गर्भावस्था में महिला की तुलना में अधिक खाने की जरूरत महसूस होती है। यदि आप भी जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हैं तो आपको भी लगातार भूख लगेगी और आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हर एक घंटे या डेढ़ घंटे में कुछ न कुछ अवश्य खाना होगा और स्वस्थ रहना होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।